हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और मैं भी आज घर पे हूँ क्योंकि आज है मेरा वर्क फ्रॉम होम। और सुबह उठ के थोड़ा लेट नहा कर, मम्मी नहा चुके हैं, मैं भी नहाई हूँ और आज है मेरा फास्ट मंडे का। हनी सोई है, राज भी उठ चुका है, स्काई भी उठ कर खेल कर फिर सो गई है। आज मम्मी बनाएंगे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि प्लस मैं घर पर भी हूँ। तो अभी मैंने राजगिरे का हलवा बना दिया है, वो प्रसाद चढ़ा देना और पूजा पाठ कर लो। मैंने तो कर दिया है, अब तुम कर लो। हाँ, मैं भी थोड़ा पूजा पाठ कर लूंगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये है, मम्मी ने बनाया राजगिरे का हलवा जो खाया जाता है फास्ट में। तो मैं ये थोड़ा सा खा भी लूंगी एंड देन मैं चढ़ा भी लूंगी। मतलब मैं थोड़ा प्रसाद में भी चढ़ा दूंगी और फिर बाद में खाऊंगी क्योंकि मैं पूरा दिन कुछ खाती हूँ नहीं। तो मम्मी ऐसे कुछ बना लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए जो मैं एटलीस्ट थोड़ा खाऊं। मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ इवनिंग में मैं एक बार वो भी जो व्हाट वी से क्या कौन सा नमक होता है वो सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक का बनाया हुआ खाना फरारी करती हूँ, अनाज भी नहीं खाती हूँ। तो इसके लिए मैं सुबह थोड़ा सा अपना पेट भर लेती हूँ सो दैट पूरा दिन मुझे तकलीफ ना हो। अब मैं खाऊंगी, ड्राई फ्रूट्स भी खाऊंगी, मखाना भी खाऊंगी और फ्रूट्स भी खाऊंगी। मॉर्निंग में खा रहा था, फिर दोपहर में तो खाती हूँ, इवनिंग में खाती हूँ, फिर सीधा इवनिंग में। ओके, चलो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, सब हो गया। अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि आज लंच में क्या बनाया जाए। क्या डिसाइड हुआ लंच में क्या बनाया जाए? देख रही हूँ भाजी लेके आई, उसके बाद क्या लेके आओ? कोई भाजी देखो, पिंटो से दिलाएगी। मैं नहीं जा रही लाने, भिंडी लेके आ जाओ। हो गया डिसाइड फाइनली। इतना इतना डिस्कस करने के बाद हनी जाएगी नीचे लेडी फिंगर लेने, बनेगी भिंडी की सब्जी और रोटी और चावल, रसीली भिंडी बना देंगे, टमाटर ज्यादा डालते। काय स्कायू, क्या हो गया बेटा? कुट्टू आलस किस बात का आ रहा है? कल तो नहीं अच्छे से इसका है। तो ये जिस दिन नहाएगी उस दिन के बाद दो दिन तक ऐसी सुस्त रहेगी। जिस दिन नहाएगी उस दिन बहुत एक्टिव रहेगी, उसके बाद दो दिन ऐसी सुस्त रहेगी, ऐसी बैठी रहेगी, सोई रहेगी, देखती रहेगी, कुछ एक्टिवनेस नहीं रहता इसका। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है ये नहीं पता, जबकि नहाने के बाद इंसान फ्रेश हो जाता है। बट जिस दिन आएगी उस दिन फ्रेश होगी, बाकी के दिन इस ऐसे ही सुस्त पड़ी रहेंगी रहेगी। और जब तक ये एक्टिव हो जाती है तब तक फिर से इसको नहलाने का टाइम आ जाता है। यही चलता रहता है इसका साइकिल। सब पता चलता है कुट्टू को कि वीडियो लिया जा रहा है। हाँ, तो अभी हनी जा रही थी नीचे सब्जी लेने, बट बारिश आ गई और हमारी स्काई भी अब नीचे नहीं जा पाई। हनी ने सोचा था कि वो नीचे जब लेकर आ जाएगी सामान तो नीचे लेकर जाएगी स्काई को वॉक के लिए, बट अब वो भी नहीं जा पाएगी। स्काई यू कम या बेटा, क्या हो गया? उसको ऐसा लग रहा है तुम नीचे लेके जाएगी। हाँ, अरे बेटू बारिश आ गई, इसका भीगना है तुम्हें, भीगना है। कल ही नहीं है वो। कम कम बेटा कम, विंडो पे बैठेंगे, आओ आओ विंडो पे बैठेंगे, आओ। बहुत सैड है। कोई इशू नहीं, मैं साइकिल को लेके जा रही हूँ, बारिश में घूमने की कुछ क्यों हुआ था। बारिश चालू हो गई है और हनी को भी उसको बारिश में भिगाएगी क्योंकि वो बहुत सैड है और वो कुछ पीछे पीछे घूम रही है। जब जब हनी हनी जा रही है, जहाँ जहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे जा रही है। तो लेट्स सी, अगर बारिश में भिगना हुआ तो स्काई को भिगा देंगे और क्या ही कर सकते। देखो पीछे उसके पीछे पीछे घूमती है वो, जैसे उसको पता चलता है हनी नीचे जा रही है, कोई भी जा रहा है नीचे जाना चाहिए, बस उसके पीछे पीछे घूमती रहेगी पूरा टाइम। हम बेल्ट पहनेंगे आज, जब तक हनी दीदी आएगी। बेटू कम, आ रही आ रही हनी दीदी आ रही, आप अपन रेडी हो जाते तब तक। ओके मेरा बेटू रेडी है बेल्ट पहन के। हाँ बेटा, हाँ वेट, हाँ वेट, अभी हनी दीदी आके लेके जाएगी। कुट्टू वेट, अब मैं जाऊंगी ना मेरे भी पीछे पीछे आएगी। कुट्टू पीछे पीछे आ रहा बेटा, कब से वेट कर रही है ये तुम्हारा, भौंक भौंक के परेशान हो गई। जाओ जाओ जाकर आओ। हाँ बेटा जाकर आओ मम्मा, चलो बाय। आ गई आ गई आ गई, इसका आई हो रही है ये। स्काई आई आई आई, ढूंढेगी स्काई। स्काई यू ढूंढ रही है। अरे 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 अरे, मैं आपके पास आ रही थी अभी।
मम्मी बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता आई डोंट नो, बट मम्मी का एक कुकिंग चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है रेशमास किचन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इफ अगर आपको कभी देखना हो या कोई रेसिपी देखनी हो तो। उसमें मम्मी ने बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई है, बहुत। उसमें से एक है कौन सी, दही मसाला भिंडी, वो याद आ गया। आज मैं खा नहीं सकती, वरना मैं मम्मी को बोलती थी वही बनाओ, इतनी यमी सब्जी बनती है वो दही मसाला भिंडी। ओ माय गॉड, आप लोगों को देखना है तो मैं यहाँ पे ऊपर अभी उसका लिंक भी आ जाएगा, उस पर जाकर आप क्लिक करके देख लो। मम्मी के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाकर चैनल चैनल देख सकते हो। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो। काफ़ी दिनों से कुछ रेसिपीज नहीं गई है, बट मम्मी ही बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें रेसिपीज डालना। अभी तो बहुत सारी नई नई रेसिपीज आने वाली, बहुत यम्मी यम्मी स्टफ्स आने वाला है वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो और बेल बटन भी क्लिक करके रखो। आई मीन बेल बटन क्या बोलते हैं उसको, बेल बटन भी नोटिफिकेशन एनेबल करके रखो, सो दैट मम्मी कुछ डाले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हनी ने लंच कर लिया है और मैं अब खा रही हूँ अपना थोड़ा सा सब मखाना और नट्स है कुछ एलिमेंट्स, वो खा कर फिर थोड़ा रेस्ट करके। और मैं और हनी कल जाने वाले थे बाहर जो नहीं हो पाया था, तो आज हम जाएंगे इवनिंग में जाएंगे। उसके पहले मैं अपना फास्ट तोड़ दूंगी, सो दैट आते टाइम अगर लेट हो तो मुझे सर हेडेक वेडेक होता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो हम ऐसे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आपसे अब तब मिलती हूँ। मम्मी लंच करेंगे अभी और मैं थोड़ा मखाना खा लेती हूँ, फिर उपास तोड़ूंगी एंड देन हम निकलेंगे। मेरा सामा राइस रेडी हो रहा है, मम्मी ने चढ़ा दिया और मम्मी स्काई को तब तक खाना खिला रहे हो, जो बहुत नाटक कर रही है। तो हमेशा खाना खाने में बहुत नाटक है, बहुत ज़्यादा। स्काई क्या हो रहा है, स्काई क्या हो रहा है? हाँ प्लास्टिक लेके बैठी है, फुड्डू नहीं चाहिए, दो फुड्डू दो मुझे, दो दो बेला को दे दो। हाँ मम्मी बेला को दे दो, बेला को दे दो। ओके खाना नहीं खा रहा बेटा, ऐसे लाना पड़ता है उसके पास दिखाने के, ये खाने में है। देखो देखो उसको प्लास्टिक का, ऐसा है कि कोई छीने ना मुझसे, उसे देख रही है। खा ले बेला बेटा, दो प्लास्टिक नीचे है ना, तुम खा लो, दीदी नहीं ले गया। अच्छा मैं जाती हूँ, बस मैं जाती हूँ, चलो बाय, मैं जाती हूँ। ठूसो ओ, तो ये है राइस, सामा राइस। मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ, मैं ये मम्मी ने चढ़ा दिया था, मैं भूल गई, मुझे देखना था एक्चुअली ये, और मैं भूल गई थी, थोड़ा सा पानी सूख गया है इसमें, और आधा ग्लास पानी डाला है मैंने, जब बनेगा तो खाऊंगी। सो मेरा सामा चावल इज फाइनली रेडी, मैं फटाफट खा कर, मैं मोस्टली ये बहुत थोड़ा सा और लेट छोड़ती हूँ फास्ट, अराउंड 7:30, बट आज ये है कि आज हमें जाना है। और अभी पता है बारिश भी चालू हो गई है, जब जब सोचो कि निकल कर तब बारिश हो रही है, लेट्स सी, बट जाना तो है ही आज, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आज थोड़ा जल्दी छोड़ रही हूँ, क्योंकि फिर हमें आते आते 9:30 हो सकता है, लेट हो सकता है। सामा राइस मेरा फेवरेट रेडी है, तो ये रहा सामा राइस जो है मेरा फेवरेट, मिर्ची विर्ची डाल के थिक्का मस्त खाती हूँ मैं। क्योंकि फास्ट होता है तो उसमें सुबह से दूध हलवा एंड ड्राई फ्रूट्स ऐसे मीठा मीठा खा कर थीका कुछ खाने नहीं मिलता है, तो थोड़ा मेरा सर दर्द होता है। तो मम्मी को, मम्मी हमेशा मेरे लिए ऐसे एकदम मिर्ची डाल के थीका थीका बनाते ताकि अच्छा लगे खाने। तो फाइनली अभी बारिश आ रही थी, अभी रुक गई है, तो हम लोग फटाफट निकल रहे हैं फॉर सम शॉपिंग। वी आर गोइंग टू सम मॉल विच इज आई गेस इन ऑर्बिट मॉल, इन ऑर्बिट जा रहे हैं ना हम लोग कि इन्फिनिटी इन ऑर्बिट। चलो ठीक है, स्काई को भी सुला दिया, मॉम इज ऑल्सो रेस्टिंग, बाय मम्मी जाके आ रहे हैं। ये स्काई सोई है यहाँ पे और ये हमारा बैग, एंड आई एम रेडी, जल्दी आना। ओके फालतू चीज मत लेना, सारे ले लेंगे। बाय मम्मा, वी गोइंग, आई एम हियर नाउ। Do you guys want to see my outfit? Do you guys want to see Pinda Didi's makeup? I don't know why, I just like getting ready like this. Who says that? Thank you. Thank you. Finally, we reached metro station. Pinda is here. I'm not coming because road is here. So, we are now
मेट्रो बिकॉज ऑटो से बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। ऐसे कौन चलता है एस्केलेटर पे, इडियट। जाने दो, आएगी 7 मिनट्स बाद। लॉल, तो अभी तक कुछ नहीं पसंद आया यार। लिया तुमने? Oh God, I didn't like anything, so I'm not taking anything. So done? चलो let's go फटाफट। 9:30 का लास्ट मेट्रो है, नहीं मिलेगा तो we'll have to go by auto. बहुत ज्यादा थक गए हैं और मैंने तो की मैंने सॉक्स की शॉपिंग की। वो जो भी शॉपिंग किया वो हम बताएंगे आपको घर पे। पहले घर पे पहुंचे थे, मुझे बहुत भूख लगी है। हाय कुटू, हाय कुटू, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। माय गॉड। सो हम घर पहुंच चुके हैं और खाना वाना भी खा लिया। सर बहुत दुख रहा था, मेरा तो सर दुखता है जब मेरे को भूख लगती है, तो मैं सबसे पहले खाना मंगाया, खाना खा लिया और हम सब ने चेंज भी कर लिया। और पिंकल दीदी यहाँ पर, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। अब कहना क्या चाहते हो भाई? बोल रही हूँ, मैं उसी का एक्शन कर रही हूँ। मैंने लिया है थोड़े कपड़े, तो वो मैं कल के व्लॉग में बता दूंगी। हाली को कलेक्शन वहाँ के अच्छे नहीं लगे, तो हाँ उसने तो ज्यादा कुछ ले लिया, सिर्फ एक ही चीज ली है, सॉक्स, जो उसको जिम वो एक्चुअली मुझे जिम के लिए चाहिए था। दैट्स व्हाई। और मैंने कुछ कपड़े लिए, 2-3 कपड़े मैंने लिए, वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या लिया है। और द गुड न्यूज इज मम्मी बना रहे हैं मोदक, और यहाँ पे चल रही है मोदक की तैयारी। ड्राई फ्रूट स्कर्ट हो चुके हैं, गणेश चतुर्थी है कल। और कितने बज रहे बताया जो मम्मी मोदक बना रहे हैं? 12 मम्मी का है ना, मम्मी से एक्साइटेड जब भी प्लान करो, मम्मी से 12 बजे भी कुछ ना कुछ चालू कर देते हैं। हां मतलब मॉम इज लाइक कि अगर चलो ठीक है कल स्केचेस चाहिए, 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, चलो बना देते हैं फटाफट, टाइम है। तो और अभी हमने कुछ मूवी लगाई है। कौन सी है? कॉमेडी मूवी है, तो सारे कॉमेडी कैरेक्टर्स है। तो अभी हम व्लॉग ये करते हैं। मम्मी को भी कुछ बोलना है लगता है यार, मम्मी पप्पा को तो कर रहे हैं। मेरा तो बोलती ही बंद कर देते क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। कल भी खाना भी आइटम कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं। और ट्विंकल को कल उसके फ्रेंड के यहाँ जाना है, जल्दी निकलेगी, तो अभी इसमें मोदक बना के रख रही हूँ ताकि ये लेके जा सके। होममेड मोदक चढ़ाएंगे हम। यस, अगर हमारे घर पे भी तो चढ़ाएंगे गणेश जी को। हाँ, और कल मस्त मस्त लंच बनेगा, भले मेरा लंच बाहर है लेकिन मैं आकर इवनिंग में खाऊंगी। हाँ ओके, वो हम लोग कल ही बताएंगे, कल ही डिस्कस करेंगे। और अगर मुझे टाइम मिलेगा ना कल, तो मैं वहाँ के भी वीडियोस ऐसी ऐसे स्नैपशॉट्स थोड़े थोड़े लेकर बताऊंगी कैसे डेकोरेशन किया था। बिकॉज ये टाइम तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम लोग सोच रहे हैं हमारे एरिए के भी जो जो गणपति जहाँ जहाँ रखेंगे वो सारे बताएंगे। हम ट्राई करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम जाकर कुछ एरियाज कवर करने के लिए। ओके, अगर मैं बनाने वाली हूँ मोदक, मुझे भी नहीं पता, उकाड़ी चे मोदक। हाँ लेकिन वो थोड़ा अलग ढंग से, इजी रेसिपी में। ओके, अरे और इससे याद आया, रेसिपी से याद आया कि जैसे मैंने आपको इसी व्लॉग में बोला था कि मसाले वाली भिंडी की रेसिपी मम्मी ने डाली अपने चैनल पे, तो वैसे ही काफी सारे बहुत अलग अलग मोदक की रेसिपी उनके चैनल में है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो अभी लिंक। और
एक दो लिंक होंगे, मल्टीपल लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में मम्मी का चैनल तो है ही, आप लोग जाओ वहाँ पे लिंक भी, अगर आपको मोदक बनाना है यू कैन गो देयर एंड देख कर आप मोदक बनाओ और सब्सक्राइब भी करना क्योंकि अभी और रेसिपीज आने वाली है। और इधर आ गई हमारी कुट्टू आ गया। ठीक है okay so do like share comment and subscribe to 3 Bakes YouTube channel 3 Bakes